नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अब अंबाला में प्रचार थम चुका है, लेकिन अब नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक संस्थानों में जाकर दुआएं मांग रहे हैं, अपनी जीत के लिए आशीर्वाद ले रहे हैं। और पवन अग्रवाल, मीना अग्रवाल दोनों आज मंजी साहिब गुरुद्वारा में पहुंचे थे, और यहां पर उनके साथ साथ कोषाध्यक्ष जो हरियाणा कांग्रेस के हैं रोहित जैन, वो भी पहुँचे थे और गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया है। सर, आशीर्वाद लिया है, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? प्रचार आपने ज़ोरदार किया। ऐसे इस समय गुरु चरणों में यही दुआ मांगने आए हैं। जो भी हमने पिछले 10-15 दिनों में प्रचार किए चुनाव के लिए और जनता के बीच गए हैं, हमारी मेहनत को सफल बनाएं, गुरु चरणों से यही आशीर्वाद मांगने आए हैं। मैडम, आप कितना आश्वस्त हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स अंबाला की जनता से मिला है अभी तक? हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमें अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। हम जरूर जीतेंगे, बाकी 27 को जनता बताई देगी जी। कोषाध्यक्ष रोहित जैन जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैन साहब, आज मैडम शैलजा आए थे, मीटिंग ली थी उन्होंने, आप लोग गुरुद्वारा साहिब पहुँचे हैं, क्या कुछ मीटिंग में डिस्कशन रही? देखिए, मीटिंग में जो हमारे फीडबैक लिया गया कि किस प्रकार चुनाव चल रहा है, सारा फीडबैक लिया और आगे के लिए लोगों को कहा कि सजग रहना है, चुनाव हमारे हाथ में है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो बस सजग रह के एक एक वोट को बूथों पे ले आकर वोटिंग करवानी है। और आज गुरु चरणों में शीश नवा के यही दुआ मांगी है कि जिस प्रकार जनता आशीर्वाद दे रही है, उसी तरह हमारे गुरु जी का आशीर्वाद लेने आए हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने आए हैं कि आशीर्वाद हमेशा हम सब पे बना रहे। हमारी प्रत्याशी मीना अग्रवाल जी मेयर पद के लिए जो चुनाव लड़ रही हैं वो जीते हैं। तो बिल्कुल जीत के लिए आशीर्वाद लिया गया है, और बिल्कुल सही बात है ये कि जिस तरह से प्रचार किया है वो मेहनत इनकी सफल हो, उसके लिए आज गुरुद्वारा मंजी साहिब में पहुँचे थे। अपडेट चुनावी लगातार देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।